नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं राकेश शिवानी अस्ट्रो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि कुछ लास्ट वीडियो से लास्ट जो लेसन्स मैंने लिए हैं उसमें मैंने यही लिया है कि डिफरेंट ग्रहों की महादशा में डिफरेंट ग्रहों की अंतरदशा कैसी जाती है, उनकी प्रेडिक्शन कैसी करनी चाहिए। तो अभी हमारा मंगल की महादशा चल रही है और मंगल की महादशा में विभिन्न ग्रहों की अंतरदशा कैसी जाती है उसके बारे में हमने पीछे भी वर्णन किया है वीडियो में। अगर ना देखा हो तो देख ले, जैसे शनि की दशा है, बुध की दशा है, वो सब कर दी है। आज हम पढ़ेंगे मंगल में केतु की दशा। अगर किसी की मंगल महादशा में केतु की अंतरदशा हो तो किस तरह के फल मिलते हैं। कुज स्या अंतर्गते केतो त्रिकोणे केंद्र अपीवा दुश्चक्के लाभ गे वा अपि शुभ युक्ते शुभेक्षिते। क्या बोलते हैं, कहते हैं कुज स्या अंतर्गते, यानी कुज मीन्स मंगल, मंगल की दशा के अंतर्गत केतो त्रिकोणे, यानी केतु और त्रिकोण में हो, केंद्र में हो, या दुश्चक्के थर्ड भाव में हो, लाभ भाव में हो, और शुभ युक्ते हो या शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो क्या होगा। उन्होंने बोला कि मंगल की महादशा हो और उसमें केतु की अंतरदशा हो और केतु त्रिकोण या केंद्र में बैठा हो या तीसरे भाव में हो या लाभ भाव में हो और शुभ ग्रह से युत हो, शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो क्या होगा। तो राजा अनुग्रह शांतिश्च बहु सौख्यम धनागम, यानी राजा का अनुग्रह प्राप्त होगा, गवर्नमेंट से आपको रिकॉग्निशन प्राप्त होगी, आपको प्रमोशन मिल सकता है, शांतिश्च शांति प्राप्त होगी, बहु सौख्यम आपको बहुत सुख मिलेगा, धनागम आपको बहुत धन की प्राप्ति होगी, किंचित फलम दशा दो तू भूलाभ पुत्र लाभ कृतय। अब यहां ये कहते हैं किंचित फलम दशा दो तू, ये बोलते हैं कि दशा के स्टार्टिंग में थोड़ा कम फल मिलेगा, किंचित फल मिलेगा, दशा के आरंभ में थोड़ा अल्प फल मिलेगा, लेकिन दशा के अंत में बहुत अच्छा फल मिलेगा, भूमि का लाभ होगा, भू लाभ, पुत्र लाभ कृतय, पुत्र का लाभ होगा, संतान का लाभ होगा, राज्य का लाभ होगा, कार्य में प्रगति होगी, और जितने भी आपके पास में पशु हैं या चतुष्पाद के जो भी चीजें आपके पास हैं उनके अंदर वृद्धि होगी। यदि अगर आप खेती करते हैं या एग्रीकल्चर में रहते हैं तो मतलब उस तरह की चीजों में आपके लिए वृद्धि होगी। तो ये बहुत जरूरी है कि मंगल की महादशा में जब केतु के अंदर दशा हो तो ये जरूर देख लें कि केतु लगन से कहां बैठा है। अगर लगन से केंद्र त्रिकोण द्वितीय या एकादश भाव में शुभ ग्रह से युत या शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो उसकी जता में राजा की कृपा से सुख मिलता है, धन मिलता है, लाभ मिलता है, दशा के आरंभ में थोड़ा सुख मिलता है लेकिन दशा के अंत में अधिक सुख मिलता है, संतान का लाभ भी होता है और पशुओं का लाभ भी होता है। इसके विपरीत ये बोला गया है योग कारको संस्थाने बल वीर समन्विते पुत्र लाभ हो यशी वृद्धि ग्रहे लक्ष्मी कटाक्ष करता है भर्त्य वर्ग धन प्राप्ति सेनापत्यम मह सुखम भूपाल मित्रम कुरुते यानम वर विभूषणम। क्या ये क्या बोलते हैं, जो कहते हैं योग कारक संस्थाने केतु अगर योग कारक बनकर उपस्थित हो तो बल वीर समन्विते, तो इसकी अंतर दशा में बल प्राप्त होता है, आदमी को पराक्रम प्राप्त होता है, पुत्र लाभ हो पुत्र का लाभ होता है, ये बोला जाता है इसके अंदर केतु की दशा में। उसमें तो पुत्र का लाभ ही मेन माना जाता था, आजकल आप ले लीजिए संतान का लाभ होता है, पुत्र या पुत्री आजकल सब बराबर हैं तो संतान का लाभ होता है, लेकिन कहा जाता है शुरू में कहा जाता है कि केतु कुलस्य उन्नति, यानी केतु से कुल की उन्नति होती है। कहने का मतलब यह है कि यदि केतु की दशा हो और कंसीव करते वक्त तो उस वक्त चांसेस ये हैं कि पहला संतान पुत्र होता है। तो ये कहा गया है कि केतु को कुल की उन्नति का कारक माना गया है। आज के जमाने में तो कुल की उन्नति जो है वो चाहे लड़की हो या लड़का हो दोनों से बराबर होती है, पर जिस जमाने में ये ग्रंथ लिखे गए थे उस जमाने में कुल की उन्नति के लिए पुत्र को ही रेस्पॉन्सिबल माना जाता है। तो कहते हैं योग कारक संस्थाने बल वीर समन्विते पुत्र लाभ हो यशी वृद्धि ग्रहे लक्ष्मी कटाक्ष करता है। वो कहता है यदि केतु योग कारक हो बली हो तो क्या होगा, उसकी अंतर्दशा में पुत्र लाभ होगा, यशो वृद्धि यश में वृद्धि होगी, घर घर मिलेगा, लक्ष्मी कटाक्ष करते हैं आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, लक्ष्मी की कृपा होगी, भर्त्य वर्ग धन प्राप्ति कामगारों से, भर्त्य मीन्स जो आपके अंडर में काम करने वाले लोग हैं उनसे भी धन प्राप्ति होगी, सेनापत्यम महत सुखम आपको सेनापतित्व प्राप्त होगा, आपको लीडरशिप मिलेगी, आपको जहां भी जिस भी समाज में आप रह रहे हैं या जिस भी कंपनी में काम करते हैं उसमें कैसी रिकॉग्निशन मिलेगी, आपको एक लीडर चुना जाएगा उसके अंदर, महत सुखम बहुत सुख मिलेगा आपको उसके अंदर, भूपाल मित्रम, भूपाल मित्रम मीन्स भूपाल, भू बोलते हैं भूमि
और उसका पालक यानी भूमि का पालक हुआ राजा, राजा के कृपा मिलेगी आपको, ज्ञानम्बर विभूषणम, और आपको आभूषण की प्राप्ति होगी, वस्त्राभूषण की प्राप्ति होगी। अंबर जो है वस्त्रों को बोलते हैं, याना अंबर विभूषणम, क्योंकि अंबर ढकने का काम करता है तो वस्त्रों को अंबर बोलते हैं, तो याना अंबर विभूषणम यानी अच्छे अच्छे वस्त्रों की और आभूषणों की प्राप्ति होगी यदि केतु कुंडली में योग कारक हो, बलि हो और उसकी अंतर्दशा। इसके विपरीत ये बोलते हैं दायशात षष्टरी फस्ते रंध्रे व पाप संयुक्ते कलोह दंत रोगश्च चौर व्याधि दिपीडनम ज्वरातिसार कुष्ठादि दार पुत्रादि पीडनम द्वितीय सप्तम स्थाने देहे व्याधिर भविष्यति अपमान मनस्तापो धन्य धान्य आदि प्रचित्रम। ये क्या बोलते हैं, ये कहते हैं केतु दायशादि यानी यानी महादशा स्वामी से षष्ठ षष्ठरी यानी छठे भाव में हो, रंध्रे अष्टम भाव में हो, फस्ते या द्वादश भाव में हो और पाप संयुक्त हो, तो कंडीशन ये है कि केतु यदि महादशा स्वामी से, लगन से नहीं बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं केतु यदि महादशा स्वामी से छठे आठवें और बारहवें भाव में हो और पाप ग्रह से युक्त हो तो केतु की अंतरदशा में कलह हो, कलह मिलती है, दंत रोगश्च दांतों में रोग होता है, चोर व्याघ्री दिपीडनम यानी चोर की पीड़ा होती है, चोर से पीड़ा होती है, घर में चोरी हो सकती है, आपको पीड़ा मिल सकती है, कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो सकता है। फिर कहते हैं ज्वरातिसार कुष्ठादि यानी ज्वरातिसार मीन्स कि ज्वर हो सकता है, अतिसार की बीमारी हो सकती है, कुष्ठादि रोग हो सकते हैं, दार पुत्र पीड़नम, दार मीन्स पत्नी, पुत्र दिपीड़नम मीन्स के पुत्र संतान यानी पत्नी और संतान को पीड़ा हो सकती है। द्वितीय सप्तम स्थाने देहे, अगर केतु द्वितीय या सप्तम स्थान में हो, मंगल की महादशा हो और केतु द्वितीय या सप्तम स्थान में हो तो व्याधिर भविष्यति, तो क्या होगा, शरीर में व्याधि होगी, अपमान मनस्तपो अपमान होगा, मानसिक संताप झेलना पड़ेगा, धन धान्यादि की आपको हानि होगी। तो ये ध्यान रखना है केतु यदि महादशा स्वामी से छठे आठवें बारहवें भाव में हो और प्राप्त ग्रह से युत हो तो केतु की अंदर दशा में कलह दंत रोग चोर व्याधि से पीड़ा ज्वर अतिसार कुष्ठादि रोग भय एवं पत्नी पुत्रादि को पीड़ा होती है। और केतु लगन से द्वितीय या सप्तम भाव में हो जो कि मारक भाव कहलाते हैं तो शरीर में व्याधि होती है, अपमान होता है, मानसिक संताप होता है और धन धान्य आदि की हानि होती है। तो ये था मंगल की महादशा में केतु की अंतर दशा का फल। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा और समझ में आया हो तो काइंडली लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा हम लोग क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो लोग इंटरेस्टेड हों दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण, नमस्कार।